हेलो, राम राम जी सभी को। और आज भाई सुबह सुबह मेरी आंखें को तो सोजन उतरे को नहीं वाणो, क्योंकि मैं उठी लेट, क्योंकि मैं 5 बजे उठी तो मैं देख लियो कि धुमर आ रही है। सन पहले तो दिखा दी मौसम का हाल चाल, ठीक है। हाँ देख लियो बे, गजब कोई हाल हो रही है हमारे तो, की कौन दिखे, देख लियो थे आ रही होगी लगभग गाँव का सब कैसी आ रही होगी भाई। हाँ देखो ठीक है, कुछ भी कौन दिखाई दे रहे है। वो प्लाट है तो उसको परलो डंडोर, वो देखो कमरों भी साफ कौन दिखाई दे रहे है, ठीक है। इतनी भयंकर वाली आ रही है भाई। हाँ क्या को सोजन भले ही उतरे हो बे, लगभग 3 किलोमीटर दूरी तय कर आई हूँ तेज कदमों से चलते हुए। कई बार आप कह दिया नहीं क्या, बोले मैं तो चालस कहाँ, मैं तो इतनी चालस कहाँ, मैं इधर मतलब चहल कदमी से चलना और तेज कदमों से चलना, पीछे की साइड तुम्हारा कुछ ही कौन दिखाई दे रहे देखो थे। और बहन ही आ गई है, चलो साथ में बात करते करते था रहा हूँ मैं। बन डाल दूँ मैं पानी, ना पानी के पानी भी शायद भाई खाली हो रही है, दाना डाल दूँ। अन तो भाई भूख लग गई, धुआं आ रही है, धुआं आ रही है, जिद में थोड़ी लेट डाले तो लगभग 7:15 हो गया है भाई कि मैं उठूँ भी लेट ही, धुआं आ रही है जिद की काम तो अपने घर भीतर को तो बनी जा कि है नहीं। हाथ छोरन रोटी राटी खा के जानी कौन थी भाई, उनका फेयरवेल फेयरवेल के हूँ सुबह पार्टी अपने भी तो होया करती आप। आठवीं था जी, नौवीं ना मतलब मारो स्कूल में पढ़ता जी, तो भाई आठवीं ताई को जी, सातवीं आना तो आठवीं आना दिया करता, फिर बाद में एक स्कूल में पढ़ता जी दसवीं ताई को, नौवीं आला दसवीं आला दिया करता। मारते ही तो कौन दी भाई पार्टी पुलटी भी गेठा के हो, ईसाई मास्टर होगा बढ़िया ही है टाबर, थोड़ा घना टाइम पास हो जाए। ऐ नहीं सारा पौधा एक साइड में लगा दिया, देखो रेड़ा रेड़ा आवे तो उनका तो कहीं दिखे था नहीं, आओ दिखेगा बल्ले ही मन लगा दे उड़ा करा नहीं इं आवे गुल का सावा जान दूँ नहीं आया करा करे इं बड़े लाग रही है गचौड़ा खा खा के। तभी तो डाल देते हैं अपन चिड़ियों को दाना, और चिड़िया दानों जो है वही वो मेरा रखे हुए स्टोर में पीछे, और दाना डालन खातर है नहीं मैं एक यह ले लिए माणो आ चमची है नहीं बाकी आ गया करें या तो के काम आ ये चमचिया मेरे के चाट रोड नहीं है भाई तो उन्होंने यह बना लिया अपने। हाँ सही है आपका, सवेरे सवेरे यहाँ जी मतलब हाथ हूथ को या नेपनिया टाबरा ने भी और कह दे भाई उस चमची में गाल के भी दद्दी मैं यहाँ लगे नहीं कि भी मैंने गिलो गिलो भाजा है बाणो मन लागे वो सारी है। हाँ वो तो आ रही है देखो टपकड़ लाग रही आलू तो है पर के कराई भी चर पर लाग रही तो अन्न तो पापड़ियाँ भूख लग गई तो अब जो है डाल दियो दाणो। अब भाई मैं लाग जाऊँ काम का, ठीक है थोड़ा बहुत काम कर लें अभी क्योंकि मेरी जो झाड़ू पोचाड़ी है नहीं मैं क्या मंड रही हूँ छोरे को ब्याह बात भाई इसी आती नहीं हाल करेगी मैं कई मेरे तो इसी पंती आवन लगाई रे तो ब्याह फट गया वो बारने नहीं ठंड बहुत ही हर भीतर गई नहीं एकदम आंती फोन लेने ने तो ही। गर्मी ला गई को सुती वाली गर्मी, हालांकि मैं जर्सी पहन के कौन गई घूमण गई जी। आ देखो थे मनी प्लांट के ऊपर उस चमका चमक रही है ना कितनी सुंदर लाग रही है ना, अरे साइनिंग आ रही है कितनी आ चमक ला है कितनी बढ़िया लगा देखो ठीक है। हाँ ये इन हाथ लग गया ठान गई फोन में तो अभी थोड़ा पानी और डाल दूँ जिनावरा में, उसके बाद में अपना जो हथियार है वो उठाएंगे फिर देखते हैं कुछ दिन में अगर थोड़ा बहुत हुई वीडियो शूट तो करेंगे, बने रहना वीडियो में आप ठीक है। ओ देख लियो भाई कचरो केक रहे था ठा है कट गई उई मंगालन की कोशिश करिए आलनो भाई आ न खा लिया बा चिमनी तो रोज चल है चलो ऊपर ली तो है नहीं जो भाई मैं तो ऐसा ही है किराएदारे कटसी रह गई ऊपरली चिमनी बाद बारी बिम तो देख लो पड़ा भाई मन तो के चिमके लाइट चिमके बात साची। तो भाई गाल ले मैं आलनो है चिड़िया ने देखो वो जो मैं टांग रखे हुए अठे टांगे थन दिखाए हो कि मैं कदी वो देखो थे हे वो टांग रखे हो ऐ क्या ऊपर बैठ जाए पर मई कौन बढ़े भाई बढ़ेगी अगर सी खरसा बढ़ जाएंगी मैं बढ़ने का खतरा ने डर लग गया। देख लो पौधा परो सारी है पानी गालना पड़ा फटाफट पहले झाड़ू मार दू मैं फिर ऊपर का नहीं फुहारा पानी छिड़कूंगी अन पर अरे आने तो भूख लाग ही आवे आ गई देखियो टुकक टुकक कर दी भाई। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना यहाँ तो मेरे ऊपर यहाँ चुगियाँ जाएंगे कोई दिक्कत को नहीं पर एक बार तो उड़ेंगी भाई। तभी ये जो है झाड़ू लगाने लगी थी मैं मेरी और ये झाड़ू
और झाड़ू पोचा रही है चल लुगाई तो भाई सारा दिन काम ठंडा ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर जाया कराया करो अंता अंता बड़े ही सब्सक्राइबर। अब जो है पौधा में पानी गालन लगी थी मैं पौधा में भाई थान कई बार कही दियो मैं कह दूंगा एक ही बात बार बार कर कया जाओ है ऊपर का फुहारो मार दे फिर बाद में शाम ने गाल दे गमला में तो पौधा जो है बढ़िया रहे हैं पौधा हमारा लाग रहा खूब है। अब की बार बढ़िया को नहीं भाई सर्दी अब घर दो तीन दिन ही पड़ी बच गया फिर बढ़िया को नहीं इतना ज्यादा। अब जो है साथ के साथ यो जिंदावर आलो पानी आलो है नहीं एने भी धो दिया करया करूँ मैं चार पाँच दिन में। ये देखो इसमें क्या है ना ऊपरों कीकर को कचरो पड़ गया फिर पानी की भी भाई नहर आलो पानी आवे है कि काई आए बिना रह को नहीं तो थोड़ी सी बकाई कुई जो है नहीं बस साफ कर देगा तो सही हो गया है। जुकाम हो गया के बेरो ना भाई कह भी बेर पुचाया फैन फैन फॉलोवर पे खाकी हो गया के बेरो ने आगे दिखाऊंगी थान बेर भी देख के जाइयो थे। अब उरा नहीं पूरा भर के धर दूँ मैं जिस दिन दो उस दिन तो बाकी तो मैंने ऊपर नहीं गाल दिया करया करूँ इसमें नहीं तो खिंडन को बह रहा है तो बार बार ऊपर न धरा जीत तो। और ये देख लो मेरे इतना कूटलो निकलो है भाई ठीक है अभी जो है चाय को हेल्लो आ गया तो भाज के मैं बना दूँ चाय वो आटा ही एक बार गाल लूँगी फिर बाद में लगाऊंगी झाड़ू सारम देख लो मार तो भाई भी आनी चालू होगी बाण आंधीर के करा तो मार तो यहाँ आवे भाई तो भाई ये देख लो पानी डाल दियो सारा पौधा में पौधा जो है नहा धो के एकदम हो जाए सूना भाई इतनी देर में हवा इतनी चल है कि मैं नहीं बाहर ने बा कुंडी भर के आई हूँ आप पौधा में पानी गाल के दिखे है तुम थोड़ा बहुत ही इव ती है नहीं नहाया नहाया इसे सूना हो रहा पानी टपको वन के ऊपर देखो तो ठीक है वो बाकुंडी भर के आई पानी की और फिर जो है ए भरिया ही बस ठीक है। आज जो है मैं मिशन पर हूँ भाई पोचे का तो मैंने जो है इतना भर लिया ही बा मेरे लिए पोचा लिया नहीं बिन को बो कपड़ो आठ पड़े बिराज है कौन ही आई तो ब्याह मंड रही हो छोरे को कहठा भाई आवेगी तो आवेगी नहीं आवेगी तो वाह पोचा को और खर्चो लगाए दियो मैं तो ऐसा कपड़ा तो मैं तो कोई काम में लियो को नहीं मेरे तो वो खड़ी उड़ी पोचो काम दे भैया बापा तो यूं लागा आ तो दोड़ो ही कोई नीचे सुनो आलो क्योंकि पौधा में पानी गाल के करें थोड़ा को नीचे खिंडोड़ो है नहीं तो मैंने पूछ के आरियाँ छोड़ देवे साफ गल है नहीं जिदिया का काम करे मत मेरे भाई सग सग लागू है देखो देखो झाड़ू लगाएडम कितो कचरो आ गए देखी है नी झाड़ू लगाएडम भी हाँ कचरो आ जाए भाई सारे पौधा में पानी गाल के देखो कचरगानी मचा दी है मैं लाग जाऊँ दब्या दब पोचा का भाई तो मैं दबे दब लाग जाऊँ पोचा करिए देखो मौसम का कुछ हाल इस तरीके है सूरज जो हवा निकल लग रही निकले तो इतनी तेज निकले जिसकी कोई हद नहीं है के बताऊँ थाने अरे नहीं निकले नहीं इतना ही सही है मतलब है। भाई आवे पानी लेना ठीक है इतनी वीडियो बनी भाई एक बार देखेंगे कुछ दिन में कुछ थोड़ा बहुत काम ऐड कर पाए तो मैं नहाया धोई कर ली थी वह देख लो इतने सारे कपड़े धोके सुखा दिए और ये देख लो हमारे पौधे जो है वो हवा में लहरा रहे हैं और ये मारा भाई आजकल ब्याह शादी में डीजे बहुत बाजे रात ने तो नहीं पढ़ नहीं पौधी भाई इतना बाजू जोर जोर से दिन में कौन बजावे लोग चलो दिन में नहीं बजाऊंगा भी ठीक है एक तो टाबरा को पेपर है तैयारी करने लग रही बेचारा एक आनंद हो गया 15-20 दिन भाई रात ने 10 बजे तक हिसाब रखना चाहिए फिर बंद कर देना चाहिए। और आज भाई मैं जो है अभी देखो भाणो ना धोके हो गई तैयार अब मैं नहीं थाने एक बताने वाली ट्रिक तो थे ट्रिक जो है मेरी बात देख के जाइयो कि मैं आज के थाना हाउस केयर की ट्रिक बताऊंगी हाउस केयर की बतानी चाहिए भाई आपा के कौन सी आपा नोर के करनी है गृहिणी हाँ तो मतलब जी हाँ घर में आपा किस तरीके से जो है नहीं अपनी चीज़ा ने सुंदर स्वस्थ रख सका हाँ तो थे देखो मेरी ट्रिक। और भाई फैन फॉलोइंग तो कुछ लंबी चौड़ी हो गई है ये देखो मेरे व्यूवर्स बेर पहुँचाया है भाई मेरा मेरी एक फैन है भाई उसने पूछा है बहुत दूर तक बेर तो बहुत सारा पूछा दिया देखो टोकरी इतनी भरी पड़ी है किसी ने खाना हो तो आज यो के बाणो मन्ना नहीं थोड़ा ज्यादा पकड़ा बेर पसंद को नहीं भाई तो भाई मैं उसने कहूँ इनका अरिमन थोड़ा ताजा ताजा बेर दिए ठीक है ना देखी ऐ नहीं ज्यादा मतलब यहाँ नरम नरम हो रहा है तो मैं थोड़ी चटोरी ज्यादा हूँ मन यहाँ ताजा ताजा चीज ज्यादा पसंद आवे भाई थोड़ा सा यहाँ बासी हो जाओ नहीं पसंद करनी छोड़ू तो नहीं मैं खा जाऊंगी टेंशन ना ले देख ले भाई जन खाना हो तो आज ही हो भाई आज मैं थाना एक ट्रिक और बता दू मैं जैसो कि थाना पता है मैं एक आधी ट्रिक जो है वो वीडियो में डालती रहा अगर आप चैनल पर है तो ये है जी हमारे पास नेल पेंट रिमूवर आप इसे किसी भी कंपनी का ले सकते हैं ये मेरे पास है लैक्मी का तो हम इसको जो है इतना सा कॉटन का हमने स्वाब लिया है
इसको जो ऐसे भर लेंगे। अब ये मत सोचियो कि यार नाखून साफ और करना आठा वीडियो में ही बतावेगी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी मेरी फोन की केबल जो कि बहुत हो गई है ब्लैक, और ब्लैक को मैंने व्हाइट करने के लिए किया था वीडियो का इंतजार, कि मैं सोची भाई वीडियो में दिखाऊंगी थाना जरूर जरूर कि किस तरीके से जो है नी आप इनको जो है गंदगी जो है वह उतार सका। ठीक है, तब मैं हो जाऊं शुरू। देख ली होगी ना थे अच्छी तरह, किसी ब्लैक है आया देखो थे गंदगी देखो थे। ठीक है, पता नहीं भाई किया आज ये वीडियो ठान या देखो। ठीक है, अब जो है मैं हो जाती हूँ शुरू। थारे श्यामी करनी पड़ेगी तो भाई, अगर थारे श्यामी नहीं करी तो थे कह दोगा थे नयोड़ी लिया नयोड़ी आ देखो आ रही आर ई मेरी में कितनों कंतर दिखे है ठानी। लाइट में आई ज्यादा ही चमकती दिखे लेकिन है बहुत काली भाई, बहुत ही काली हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी ना थाने, वीडियो बना के ही दिखाऊंगी इसकी उस दिन जिद। हाँ सही है, कॉटन देख लियो थे दिखने ला रही, नीचे थोड़ी ज्यादा बढ़िया दिखा है नी, ऊपर लाइट में थोड़ी सी ज्यादा वा दिखा है। तो ये है जी हमारी ट्रिक, अब देखना इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी साफ करने के बाद। अरे कॉटन तो काली होगी, मेरे तो हाथ ही काला हो गया, इतनी गंदगी चिपरी नी। आधी करके फिर दिखाऊंगी था ना, आधी करने के बाद में नहीं है पतो लगा कि भाई हाँ इसी साफ हुई है। ठीक है, ओ चश्मा और लगा के आ रही मतलब डब्बो, अब देखो थे आईती में साफ कर ली, आईती आगे की बिना साफ करिया देख देखियो थे कि तो सुनो चमक गयो है नी, देखिया थोड़ा इन्ना और रह रहे हो वो देखो। हाँ 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 अब कॉटन देख लो आप कितनी जो है वो गंदगी उतरी है कॉटन में, कॉटन जो है पहले ऐसी थी अभी ये जो ऐसी हो गई है, अभी फटाफट जो है ना साफ कर लिया भाई, नहीं तो उड़ जाए तो यार अभी ना नहीं इं उल्टी जावे को नहीं, इं करके इं कर लिया मेरे हिसाब से, उल्टी उल्टी इं करा नहीं। आ देखो जी दांत मुंह छुट्टे है थोड़ा, ओ हो के लगा ले भाई बहुत ही ज्यादा कालो कर रखी थी मैं तो, आ तो है नी कॉटन और लेनी पड़ेगी एक तो इसको जी काट लिया पापड़ी को कती में छोड़ दूंगा नी। है देखो थे ओहो बहुत काम की चीज है भाई नेल पेंट रिमूवर जो है बहुत काम की चीज है, ए देख लेते। ठीक है, अभी तो इतनी और पड़ी है, इतनी भी दोबारा करनी है एक बार, आ देख लो। ठीक है, तो जी ये थी मेरी आज की ट्रिक और आज की वीडियो का जो है हम करेंगे एंड, पूरी थाने साफ करके दिखाऊंगी तो वीडियो हो जाएगी बड़ी लंबी, मैं थाने दिखा दिए बाणो, अब मैं कर लू इसने साफ। अब थारे भी घर में अगर कोई इस तरीके की चीज हो जिस तरह की चश्मा का जिस तरह फ्रेम हो है, किसी को ब्लैक ना व्हाइट हो है और दिखे मैल दिखने लाग जाए, कोई भी चीज मतलब इस तरीके की नेल पेंट रिमूवर कॉटन में भर के आप जो है नीबा साफ कर सका। हाँ आए चमकन लाग रही देख लो। ठीक है भाई, चैनल पर नया आया हो तो मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।